हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमारे आईब्रो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं या जो है हमारी आईब्रो कहीं से ज़्यादा झड़ गए हैं, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, या किसी किसी को ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स सबको नहीं लेकिन किसी को होता है, किसी किसी को हमने खुद ही देखा है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आईब्रो ही नहीं होती, बिल्कुल नाम मात्र की होती है। तो आईब्रो ना होना जो है फेस की सबसे बड़ी बदसूरती हो जाती है फ्रेंड्स, बहुत मायने रखता है आईब्रो का होना। और सब लोगों की चाहत होती है कि मेरी आईब्रो लंबी हो, घनी हो, खूबसूरत हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी आईब्रो जो है पहले अच्छी थी और अभी जो है बिल्कुल झड़ रही है या जो है बिल्कुल नाम मात्र की बची हुई है, तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को एक जेल बनाना बताऊंगी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और 100% ये काम करेगा। फ्रेंड्स, आप इसे जरूर एक बार यूज करें बनाकर। आप जैसे ही एक बार यूज करोगे बनाकर आपको फर्क दिखेगा, और 100% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप दूसरी बार भी इसे जरूर बनाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार आप लोग बनाकर जरूर यूज कीजिएगा अगर आपको इस तरह की समस्या है तो। फ्रेंड्स, ये आईब्रो के लिए है ये जेल, और साथ ही आपकी अगर आई लेसेस बिल्कुल कम हो गई है, अगर आप अपनी आई लेसेस को भी अच्छा बनाना चाहते हो, घना बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप आई लेसेस पे भी यूज कर सकते हो। आप बिल्कुल हल्के से जिस तरह काजल लगाते हो उसी तरह आप जो है आई लेसेस पे लगा के आप रात में नाइट में लगाइए तो ज़्यादा असर रहेगा, करेगा, अच्छा इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं जेल इसका बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज होगा मैं आप लोग को बताती हूँ। और फ्रेंड्स, इस जेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे नारियल का तेल। तो नारियल जो होता है फ्रेंड्स विटामिन ई से भरपूर होता है, और हेयर को ग्रोथ को अच्छा करने के लिए नारियल का ऑयल बहुत ही अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स, नारियल का ऑयल लेंगे, और उसके बाद जो है हम कैस्टर्ड ऑयल लेंगे जो कि बहुत ही अच्छा होता है ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। कैस्टर ऑयल जहाँ से आपके बाल झड़े होते हैं, गंजेपन की अगर शिकायत होती है, तो भी आप जो है इस कैस्टर्ड ऑयल को अगर आप यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट होगा। कैस्टर ऑयल फ्रेंड्स जो है अरंडी का तेल, जो कि गांव में पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन आपको मार्केट में भी इसका ऑयल मिल जाएगा। और उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट्स लेंगे हम विटामिन ई की कैप्सूल। तो विटामिन ई जो होता है हमारे स्किन और हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस जेल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स का यूज हम करेंगे सभी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए अच्छे होंगे, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को अच्छे से जो है उसको अच्छा करेगा, और आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल भी स्किन के लिए, हेयर के लिए, दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, इन सारी सामग्रियों को आपको मिलाकर एक अच्छा सा जेल बनाना है। तो इस सबकी क्वांटिटी जो है आपको, सबकी क्वांटिटी जो ऑयल का मैंने बताया, जैसे विटामिन ई की कैप्सूल है आपको 2 लेना है, और कैस्टर्ड ऑयल जो है उसको 1 चम्मच लेना है, और कोकोनट ऑयल आपको 2 चम्मच लेना है। इसी तरह जो है क्वांटिटी आपको रखनी होगी, और लास्ट में आपको डालना होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको मार्केट का ही यूज करना होगा, प्लांट का नहीं, क्योंकि प्लांट का आप यूज करोगे तो फ्रेंड ज़्यादा दिन आप यूज नहीं कर पाओगे, वो आपका खराब हो जाएगा। और अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज करोगे तो काफ़ी दिन तक आप इसे बनाकर रख सकते हो और रख कर यूज कर सकते हो। कम से कम इसे बनाकर आप 15 से 20 दिन यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी आपका खराब नहीं होगा। इसमें कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिली हुई है जिसमें जो है जैसा कि मिलाने पर खराब हो जाएगा, मतलब कि इसमें वाटर नहीं मिला हुआ है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपका बिल्कुल आराम से 20 डेज तक चल सकता है। तो फ्रेंड्स, इस जेल को आप अपने आईब्रो पर अप्लाई करें, आप अपने आई लेसेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी आईब्रो बहुत अच्छी घनी हो जाएंगी फ्रेंड्स। अगर एक बार आप इसे बनाकर यूज कर लिए तो फ्रेंड्स मैं दावा करती हूँ आप फिर से बनाओगे और आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी आएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के द्वारा। और अगर कुछ भी आपको इस टॉपिक पर पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हेयर मतलब कि ब्यूटी से रिलेटेड, या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू,
तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आप लोग के लिए वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू फ्रेंड्स।